मायरा, मायरा, कब से आवाज दे रही हूँ तुम्हें? क्या काम है? तुम्हारे लिए कुछ मेहंदी के डिजाइन लाई हूँ, सिलेक्ट करो ना। मेहंदी मैं भी लगवाऊंगी, ये वाली, वो भी इतनी पूरी। अच्छा पिद्दी, तेरे तो मैं पूरे फेस पे मेहंदी लगा दूंगी जो पूरे एक हफ्ते तक नहीं निकलेगी, जैसे तूने मेरे फेस पे लिपस्टिक लगा दी थी, है ना? उस लिपस्टिक से तो आपका फेस चमक गया, किसी हल्दी से नहीं। अच्छा हल्दी की बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। अरे एक्सक्यूज मी, डीएम सर है क्या? हमारा अपॉइंटमेंट है उनसे, बोलिएगा आयत खान नाम है। ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं भी पूछ के आता हूँ। रुको 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 रुको, अरे रोको यहाँ पे, रुको रुको, यही है वो, मैं बता रही हूँ यहीं पर है वो दुकान। ये इलाका इतना बदल कैसे गया है? भाभी जान, हाँ? लगता है आपकी मेहंदी की दुकान ढूंढते ढूंढते हम लोगों ने पूरा भोपाल घूम लिया होगा अभी तक। अरे बाबा छोटी, वो बहुत बड़ी बहुत पुरानी दुकान है, सारा शादी का सामान उसी में मिलता है, पता है तुम्हें? अरे तो कहाँ है मेहंदी की दुकान? भाभी जान मुझे तो यहाँ कहीं मेहंदी की दुकान नहीं नजर आ रही है। अरे पूछ लो ना किसी से, खड़ी हुई हो यहाँ पर। और देखिए ना, इससे आगे तो सारी सरकारी ऑफिसर्स हैं लाइन में। भाभी जान मुझे तो लगता है आप रास्ता भूल गई है, चलिए निकलिए यहाँ से। चुप कर छोटी, इतनी गर्मी है। मैं कुछ भूलती नहीं कभी, मुझे पूरा यकीन है वो इसी इलाके में है। मरियम की भूपी आयत भोपाल के डीएम के ऑफिस के बाहर क्या कर रही है? आपको अंदर बुला रहे। भोपाल के इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे पहचानती है? छोटा नहीं, कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है। सर जो हमने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट की थी उसका अप्रूवल हो गया क्या? एक्चुअली जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ उसे पूरा करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। आई एम सॉरी मिसाद, मैंने कोशिश ज़रूर की थी पर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, आपको ड्यू डेट पर ही यहाँ से रवाना होना होगा। डीएम सर कुछ तो कीजिए, मेरा वीज़ा तो दो दिन में एक्सपायर हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड पर इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। और जो दूसरे वीज़ा की बात हुई थी वो होगा या नहीं? हाँ आपके दूसरे वीजा का काम हो जाएगा, डोंट वरी। अब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, बात जरूर करनी है पर हमें जल्द ही मजाज भाई से ये बात करनी होगी, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। मरियम, मरियम भागे मत, चोट लग जाएगी आपको। अरे 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 बिटिया संभाल के बेटा, इतनी तेज क्यों भाग रही हो, गिर जाओगी। आमना बे जाफर चाचा, आप लोग डरिए मत, मैं नहीं गिरूंगी, पहले तो मैं गलती से गिर गई थी। बेटा गलती से भी आपके साथ ऐसा कुछ ना, आप तो इस घर की जान है, और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे खेलते रहे। जाफर चाचा प्यारी बेटिया, ये बिल्कुल सही वक्त, हमें मजाज भाई से मरियम को साथ ले जाने की बात कर ही लेनी चाहिए। मरियम जल्दी आ। भाईजान मरियम सच में हवेली की जान है, उसे मानो जैसे घर खिल सा उठा। ये सब आप ही की बदौलत है आयत, आप ही की वजह से मरियम को नई जिंदगी मिली है, अगर आप नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता। भाईजान हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। कहिए क्या कहना चाह रही हैं? मजाज वो केटरर से बात कर लीजिए, कुछ खाने के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अच्छा मैं भी आया। जी क्या बात करना चाह रही थी मजाज से? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस यूं ही। सब खैरियत तो है ना, वैसे मुझे भी बता सकती हो? हाँ हाँ भाभी जान सब खैरियत, माहिरा की मेहंदी की तैयारियां करनी है ना, चलिए तैयारियां करते हैं। ये मजाज से कुछ बात तो करना चाह रही थी,
लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है जो ये मेरे सामने नहीं कर सकती। मरियम, हम किसी का मोबाइल लाते हैं ना, तो उसमें से फोटो खींच ले। नहीं, मुझे अपना कैमरे में ऐसे ही फोटो खींचनी है। अरे मजाज ने कहा ना, वो तेरा कैमरा ठीक करवा देगा, तू टेंशन मत ले, चलो खेलने चल। हाँ। हमारी मरियम थोड़ी सी अपसेट नजर आ रही है, आखिर वजह क्या है? बिना कैमरे के मैं रिपोर्टिंग कैसे करूंगी, सारा फंक्शन खराब हो जाएगा। तो ये मसला है कि आपके पास कैमरा नहीं है और आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है, राइट? और ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप फिर भी पिक्चर्स क्लिक कर सकती हैं। कैसे? आइए हम आपको बताते हैं कैसे। बैठिए, देखिए, आप सब चीजों को गौर से देखिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए और उसे अपने दिमाग में बसा लीजिए। इसके कई फायदे भी हैं। जो पिक्चर्स आप अपनी आंखों से खींचेंगी ना, वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। वैसे हम आपका कैमरा बहुत जल्दी बना देंगे, लेकिन जब तक आपका कैमरा नहीं आता है, तब तक आप अपनी आंखों का पूरा इस्तेमाल कीजिए और पिक्चर्स को अपने दिमाग में बसा दीजिए। और दिमाग के पेपर पर प्रिंट कर लूंगी। एग्जैक्टली। अब मुझे एक जोर सी हगी दीजिए। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कितनी प्यारी है ना मरियम। बेटा ऐसे सताते नहीं है बड़ों को। भाभीजान आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मदिया। वालेकुम सलाम। ये लो मेहंदी, ये खास तौर से लेकर आई हूँ। तुम्हें याद है वो बहुत मशहूर बहुत पुरानी दुकान, वहीं की है ये मेहंदी। बस ये ही मेहंदी लगेगी हमारी बहू को। बच्चों के लिए नहीं है ना ये मरियम, आपके लिए दूसरी मेहंदी आ रही है। ये तो मायरा अब्बी की है ना? अम्मी ये गलत बात है। अमना भी, हाँ, ये जरा संभाल के बच्चों की पहुंच से दूर रख दीजिए। जी बिल्कुल, मायरा के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वसीम साहब और जैन नहीं है? अरे अब क्या करें, कितनी तैयारियां हैं अभी शादी की, उसी में मसरूफ है, आते होंगे। जी मैं समझ सकता हूँ। आइए ना। आइए ना। मायरा कहाँ है? मायरा है अंदर ही है। मायरा जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। मजाज वो फाइनेंस वाला है ना, उसका बार बार फोन आ रहा है, तो एक बार बैठ के बात कर लेते हैं। आओ। वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा है, बात तो हमें आज ही करनी पड़ेगी भाईजान से, और कोई समझेगा भी नहीं, वक्त बहुत कम है अब। हाँ यहां रख देती हूँ, बच्चों की पहुंच से दूर। आज हमने मरियम बिटिया की पसंदीदा सब्जी बनाई है। डॉक्टर साहब की सख्त हिदायत है कि उन्हें हरी सब्जियां खिलाएं। आमना, चेक कर बताइए कैसा बना। बहुत अच्छी बनी है सच में। अच्छा मेहमान सारे आ चुके हैं, आप जल्दी से शरबत लेके आइए, मैं बाकी के काम निपटा देती हूँ। माने जान ने कहा था
की ये स्पेशल मेहंदी है, थोड़ी सी लगा के देखे। ये स्पेशल मेहंदी थी और वो भी स्पेशली तेरी अप्पी के लिए। मर गए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।